मेरे कृष्ण तू कर इतना करम, जितना भी जियो इस जिंदगी में साथ रहे तू हरदम। हरे कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो गाइस इस वीडियो में हम आ चुके हैं दिल्ली के सबसे बड़े इस्कॉन टेंपल, जिसका नाम है श्री राधा पार्थशास्त्री मंदिर, और ये दिल्ली का सबसे बड़ा इस्कॉन टेंपल है। ऐसे तो इस्कॉन टेंपल बहुत सारे हैं दिल्ली में, लेकिन ये वाला जो इस्कॉन टेंपल है नेहरू प्लेस वाला, ये काफी बड़ा है। और अगर आप यहाँ पर आना चाहते हैं तो यहाँ का नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन दो है। पहला मेट्रो स्टेशन है नेहरू प्लेस और दूसरा मेट्रो स्टेशन है कैलाश कॉलोनी। अगर आप नेहरू प्लेस आ रहे हैं तो आपको 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस लगेगा मंदिर तक पहुंचने के लिए, और अगर आपको वो भी वॉक नहीं करनी है तो आप कैलाश कॉलोनी मेट्रो स्टेशन उतर सकते हैं। वहां से आपको कोई सा भी कन्वेंस मिल जाएगा, वो आपको चलाकर सीधे मंदिर तक छोड़ देगा। और मंदिर के सामने ही हमको बहुत बड़ा पार्क देखने को मिलता है, जो कि काफी बड़ा है, और आप फैमिली के साथ भी आ सकते हैं, इस पार्क में एंजॉय कर सकते हैं और खेलने कूदने की भी सारी व्यवस्था मिल जाएगी। बहुत बड़ा पार्क है ये, मंदिर के सामने ही पार्क होता है। और हम यहाँ की टाइमिंग की बात करते हैं हर्षित भाई से। मंदिर की टाइमिंग होने वाली है, मंदिर सुबह 4 बजे खुलता है और 12:30 बजे तक खुला रहता है। बीच बीच में इसके कपाट बंद होते रहते हैं आरती के वक्त, और फिर ये दिन में 1:30 बजे से 4:30 बंद रहता है, फिर 4:30 खुलता है और रात के 9 बजे तक खुलता है। और बीच बीच में गाइस आपको कपाट बंद मिल सकते हैं क्योंकि आरती होती है। तो गाइस ये है मंदिर का मेन गेट, जहाँ से हमारी एंट्री होने वाली है, और ये रोड जा रहा है पार्किंग की ओर। अगर आप अपने पर्सनल व्हीकल से आ रहे हैं तो आपको 1 रुपए का चार्ज भी नहीं देना होगा, पार्किंग बिल्कुल फ्री है, वो साधन आपके लिए सबसे बेस्ट है। तो चलिए यार जल्दी से एंट्री करते हैं। तो यहाँ पे आप राधा कृष्ण के चरणों में फूल चढ़ाने के लिए उनकी माला वगैरह भी ले सकते हैं, और अब सीधे अंदर चलते हैं हम। तो ये सीधे मंदिर का गेट है, आप देख सकते हो, और यहाँ से हमारी एंट्री होने वाली है। फुल सिक्योरिटी के साथ यहाँ पे एंट्री होगी। तो मंदिर के एंट्री करते कुछ ऐसा व्यू आने वाला है भाई, देख लो यार, पूरा पेड़ पौधे हरियाली यहाँ पर भी चारों तरफ है। तो गाइस यहाँ से आप प्रसाद भी घर ले जाने के लिए ले सकते हैं, ये प्रसाद चढ़ाया नहीं जाता, बस आप घर ले जा सकते हैं प्रसाद को, ये भी भगवान का ही प्रसाद माना जाएगा। और ये देखिए ये मंदिर का गेट, इतना बड़ा घंटा है लेकिन गाइस इसको बजा नहीं सकते यहाँ पे, और आज क्राउड भी यहाँ पे बहुत अच्छा खासा है। आज नहीं है, यहाँ पे शायद रोज ही ऐसा क्राउड होता है। हाँ रोज ही रहता है आज के जितना। गाइस देख सकते हैं यहाँ पे कितना क्राउड है, और यहाँ से हम चलते हैं ऊपर। हरे कृष्ण, और यहाँ पे कालिया नाग और कृष्ण जी का क्या अद्भुत मूर्त देखने को मिलती है। और यहाँ का से आप व्यू देख सकते हो भाई साहब, क्या व्यू आ रहा है यहाँ से। हम जल्दी चलते हैं मेन मंदिर के अंदर। भाई आज यहाँ पे सच में बहुत ज्यादा क्राउड देखने को मिल रहा है, ऐसा क्राउड यहाँ पे आज से पहले तो कभी नहीं दिखा। मैंने पहली बार देखा इतना क्राउड में कहीं। लेकिन एक सेकंड, यहाँ पे शायद रोज ही ऐसा क्राउड होता है। हाँ रोज ही रहता है आज के जितना। मैंने पहली बार देखा इतना क्राउड में। भाई बहुत ज्यादा क्राउड है आज, पूरा वहाँ तक एकदम मंदिर के बाहर तक अंदर तक पूरा भरा हुआ है। हरे रामा, बहुत ज्यादा क्राउड है। तो राधा रानी के दर्शन करने से पहले हम भी अपने जूतों को जमा करवाते हैं, और हाथ पैर धोकर हम भी उस क्राउड का हिस्सा बन जाते हैं। और आज एंट्री हो रही थी पीछे वाले गेट से, क्योंकि सामने वाले गेट पे कोई काम चल रहा था, और भाई आज धूप भी बहुत ज्यादा थी, और इसलिए इन्होंने ऊपर तिरपाल लगा रखी है भक्तों के लिए। ये काम तो भाई इन्होंने बहुत सही कर दिया है। तो चलिए अब राधा रानी के जल्दी से दर्शन करते हैं।
फाइनली मंदिर के बाहर आ चुके हैं और अब चलते हैं, आपको आगे का व्यू दिखाते हैं। तो गाइस यहाँ पे वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट भगवत गीता भी रखी गई है, जैसा कि आप देख सकते हैं वीडियो में, ये कितनी बड़ी होने वाली है। ये देखो गाइस, सच में काफी बड़ी भगवत गीता देख रहा है भाई, इतनी बड़ी भगवत गीता, और यहाँ पे लिखा भी हुआ है द वर्ल्ड लार्जेस्ट स्क्रेड बुक, भाई बहुत बड़ी भगवत गीता है। तो हर्षित भाई, म्यूजियम की टिकट क्या होने वाली है भाई? टिकट म्यूजियम की टिकट प्राइस होगी एकदम 150 रुपये। ओके, 150 रुपये अंदर की टिकट प्राइस है। अभी यार अपने पास टाइम नहीं, जल्दी से घर भी चलना है। तो गाइस देख लीजिए, अंदर ज़्यादा कुछ है नहीं, आपको बाहर से दिख जाएगा जो आपको देखना हो। और ये देखिए यहाँ पे, और ये रे भगवान विष्णु जी शेषनाग के ऊपर लेटे हुए, और ये माता लक्ष्मी उनके पैर दबाती हुई। ज़्यादा कुछ है नहीं अंदर, बस जो चीज़ें आपको अंदर देखने को मिलेंगी वही आप बाहर से भी देख सकते हैं। और नॉर्मली है यहाँ पे, बढ़िया कांच लगा हुआ है, आप सामने से आराम से देख सकते हैं। तो गाइस अगर आप वृंदावन के स्कॉन टेम्पल किसी कारण नहीं जा रहे हैं तो आप यहाँ पर आ सकते हैं, जहाँ पर जो जो वृंदावन में स्कॉन टेम्पल में वहाँ पर जो भी कार्यक्रम होता है, जो भी फेस्टिवल वहाँ पे होता है, सेम फेस्टिवल यहाँ पर होता है। अभी हाल ही में यहाँ पर बोट फेस्टिवल हुआ था, जो यहाँ पर काफी अच्छे से सजाया गया था। आए दिनों फेस्टिवल होते रहते हैं यहाँ पे। अब चलते हैं द ऑडिटोरियम में, यहाँ पर राधा रानी की मूर्ति वगैरह और कपड़े छोटे छोटे उनके आप यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ पे आप राधा रानी की पोशाक और कृष्ण जी के पोशाक ले सकते हैं। और यहाँ पे गिफ्ट शॉप भी बनी हुई है, जिससे आप अपने डायबिटिक फ्रेंड के लिए कोई सा गिफ्ट वगैरह भी ले सकते हैं। और कपड़े वपड़े आपको यहाँ पे सब मिल जाएंगे, और भूख लग रही है तो खाने वगैरह मिल जाएगा, और जलपान वलपान की सारी व्यवस्था मिल जाएगी। साफ सफाई भी यहाँ पे बहुत ध्यान दिया गया साफ सफाई का। यहाँ पे ना चैंटिंग का सामान भी सारा मिल जाता है, अगर आप चैंटिंग करना चाहें, आप गीता लेना चाहें, या कृष्ण जी का कोई सामान लेना चाहें, या बुक भी लेना चाहें कृष्ण जी से रिलेटेड, या कोई भी आपके काम की बुक्स यहाँ बहुत मिलती है जो आपकी नॉलेज बढ़ाएंगी। तो गाइस आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।